नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन की। सहारनपुर में आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का दौरा था, लेकिन राजकीय वायुयान में टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते उप मुख्यमंत्री का सहारनपुर दौरा रद्द हो गया, जिसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और 809 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 288 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का सहारनपुर दौरा था, जिसमें उप मुख्यमंत्री कार्यक्रम के अनुसार करोड़ रुपए से तैयार परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने और साथ ही मां शाकुंभरी देवी के दर्शन के लिए भी उनको जाना था, लेकिन हवाई जहाज में टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते वो सहारनपुर नहीं पहुंच पाए, जिसके बाद उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस दौरे को पूरा किया। माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, उनका आज का कार्यक्रम सहारनपुर में यहाँ था। अनेक योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करना था, मगर उनके प्लेन में कुछ तकनीकी खराबी आने के कारण वो वहाँ से टेक ऑफ नहीं कर पा रहे। अभी भी तकनीशियन वहाँ लगे हैं और वहाँ से संदेश आया कि अगर 20 मिनट के अंदर भी तकनीकी खराबी ठीक हो जाती है तो हमारे हैं, वरना वर्चुअली सबको संबोधित करेंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम पहले ये 9 जुलाई का था, लेकिन 8 जुलाई को प्रमुख जी के चुनाव घोषित हो गए और इस कारण 9 जुलाई को ये कार्यक्रम निरस्त करना पड़ा। कल माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयागराज में कार्यक्रम था इसी तरह का, और उन्हें स्टेट प्लेन से जो प्रदेश सरकार का वायुयान है उससे सहारनपुर आना था, लेकिन किसी तकनीकी कमी के कारण कोशिश भी प्रयास भी बहुत किया है वहाँ के हमारे पायलट वगैरह ने, लेकिन वो तकनीकी दूर नहीं हो पाई वो कमी, इसलिए माननीय उप मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम रद्द हुआ आज का। और फिर भी उन्होंने सहारनपुर की जनता से, क्योंकि उन्हें बहुत लगाव है, प्रेम है, उन्होंने फिर व्यवस्था की कि मैं अगर फिजिकली वहाँ नहीं जा सकता तो वर्चुअली मैं जुड़ करके अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करूँ, उत्साहवर्धन करूँ और इन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करूँ। ये कार्यक्रम आज का था। गोरखपुर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। गोरखपुर में सीएम योगी सैनिक स्कूल की आधारशिला रखने के साथ ही शनिवार को गुरु पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद भी देंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित 9 मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण कार्यक्रमों की तैयारी जांचने के लिए देवरिया और सिद्धार्थ नगर भी जाएंगे। उनके साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी मौजूद रहेंगे। वहां से मुख्यमंत्री गोरखनाथ मंदिर भी जाएंगे। यहाँ अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा भी योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। तो आज से गोरखपुर के 3 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ गुरु पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचेंगे। साथ ही साथ गोरखनाथ मंदिर भी जाएंगे और कई परियोजनाओं की आधारशिला लोकार्पण भी कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं के जरिए घर घर संपर्क का अभियान चलाएगी। इसके लिए 2 महीने का टास्क तैयार किया गया है और इस दौरान अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पार्टी की ओर से विशेष टीकाकरण अभियान 23 जुलाई से होगा और 24 जुलाई से भाजपाई मठ मंदिरों में जाएंगे। काशी क्षेत्र के अध्यक्ष महेश चंद श्रीवास्तव ने बताया है कि पूरे प्रदेश सहित काशी क्षेत्र में भी जिला कार्य समिति की बैठकों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा और ये दौर आगे भी यूं ही बरकरार रहेगा। मठ मंदिरों में कार्यकर्ता दस्तक देंगे और घर घर जाकर एक संपर्क अभियान चलाया जाएगा, ताकि जो की उपलब्धता है बीजेपी सरकार की वो लोगों तक पहुंच सके। कासगंज में बैराजों से छोड़े जा रहे पानी से गंगा नदी में बाढ़ के हालात पैदा कर दिए हैं। कासगंज जिले में पिछले 24 घंटों में गंगा नदी का जलस्तर 40 सेंटीमीटर बढ़ गया है। बाढ़ के खतरे से तटवर्ती क्षेत्रों के ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। वहीं प्रशासन और सिंचाई विभाग के अफसरों ने अलर्ट जारी करते हुए निगरानी तेज कर दी है। सिंचाई विभाग की टीमें तटवर्ती क्षेत्रों में पहुंचकर बाढ़ से बचाव की कोशिशें लगातार कर रही है। तो लगातार उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। वहीं कई बैराज ऐसे हैं जहां से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है।
कासगंज की तस्वीर आप देखेंगे तो नदी पूरी तरह से उफान पर नजर आ रही है। तो गंगा का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। जो निचले इलाके हैं, जो निचले गांव हैं, वहां पर लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में मौसम विभाग ने हाई अलर्ट भी जारी किया है। अतीक अहमद सैकड़ों मील दूर अहमदाबाद की जेल में है, लेकिन उसके गुर्गे और करीबियों के कारनामे जारी हैं। ताजा मामला माफिया के करीबी रहे प्रॉपर्टी डीलर का है, जिसने 45 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग कर दी। जानकारी मिलने पर विकास प्राधिकरण के अफसरों में हड़कंप मच गया। प्रॉपर्टी डीलर और उसके साथी के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही प्लॉटिंग का काम रुकवाने के लिए एक पत्र भी पुलिस को भेजा गया। मामला पूरा मुफ्ती के बहमरौली स्थित रसूलपुर मरीडीहा का है। सूत्रों का कहना है कि आतिक अहमद के करीबी प्रॉपर्टी डीलर उसके पार्टनर ने यहां स्थित 45 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग कर दी। यहां ऊंचे टीले को काट कर पहले जमीन का समतलीकरण कराया गया, इसके बाद कच्ची रोड और रास्तों का निर्माण कराया गया। यही नहीं, बिजली पोल लगवाकर ऊंची बाउंड्री वॉल भी खड़ी कर दी गई है। तो अतीक के करीबी लगातार अवैध कब्जा करते हुए नजर आ रहे हैं। ताजा मामला सामने आया है प्रयागराज से, जहां 45 बीघा जमीन पर एक बार फिर से अवैध प्लॉटिंग की गई है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला प्रयागराज का है, जहां पर अब भी अवैध तरीके से प्लॉटिंग हो रही है, जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया जा रहा है। आपको बता दें कि अतीक अहमद जेल में बंद है, लेकिन उसके गुर्गे लगातार दहशत फैला रहे हैं। आयकर विभाग की टीम जौनपुर के शाहगंज में बीजेपी नेता शराब कारोबारी ओम प्रकाश जयसवाल के घर डेरा जमाए हुए है। गुरुवार की सुबह शुरू हुई विभाग की कार्रवाई आज दूसरे दिन भी जारी है। देर रात 1:30 बजे गाड़ी से ओम प्रकाश जयसवाल की बहू और नगर पालिका परिषद शाहगंज की अध्यक्ष गीता जयसवाल को GCG चौराहे स्थित मकान से फार्म हाउस पर ले गई। जौनपुर का एक पूरा मामला है, जहां पर ओम प्रकाश जयसवाल के घर पर आयकर का छापा पड़ा हुआ है और दो दिन से लगातार कार्रवाई की जा रही है। करोड़ों की टैक्स चोरी का आरोप उन पर है, इस तरह की आशंका है। तो ऐसे में अब छानबीन लगातार की जा रही है। कल ये छानबीन शुरू हुई थी, जो कि अब तक खत्म नहीं हो पाई है। आगरा के कमला नगर स्थित मणपुरम गोल्ड लोन की शाखा में डकैती डालने का एक और आरोपी पुलिस मुठभेड़ में पकड़ा गया। उसके पास से 1 किलोग्राम सोने के जेवरात और नगदी बरामद हुई है। मुठभेड़ में गोली लगने से वो घायल भी हुआ है। IG नवीन अरोरा के मुताबिक मणपुरम गोल्ड डकैती के मामले में शामिल बदमाश 25,000 रुपए का इनामी संतोष जाटव उर्फ चाचा पुलिस मुठभेड़ में कमला नगर थाना क्षेत्र में घायल हुआ। उसके पास से लगभग 1 किलोग्राम सोने के आभूषण और 63,000 रुपए मौके से बरामद हुए। बता दें, इससे पहले 2 बदमाश मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। एक बदमाश ने थाने में समर्पण कर दिया था। लाला सहित 3 बदमाश अब भी फरार हैं, जिनकी धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार बनी हुई है। बता दें कि आगरा में अब तक की सबसे बड़ी डकैती थी। हालांकि पुलिस ने 2 घंटे के अंदर ही बदमाश मार गिराए थे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी के 26 विभागों की टीम घोषित की है। तरुकांत त्रिपाठी को मीडिया संपर्क विभाग का संयोजक और नवीन श्रीवास्तव को सह संयोजक नियुक्त किया गया है। पूर्व पुलिस महानिदेशक सूर्य कुमार शुक्ला को सुशासन और केंद्र राज्य शासकीय समन्वय विभाग का संयोजक नियुक्त किया गया है। तो बीजेपी ने 26 विभागों की टीम घोषित कर दी है। मीडिया समेत पूर्व DGP को भी भारी जिम्मेदारी मिली है। आपको बता दें कि लखनऊ में ये पूरा फेरबदल किया गया है। बड़ी जिम्मेदारियां अलग अलग चेहरों को दी गई हैं। 26 विभाग बताए जा रहे हैं, जिनकी टीम नियुक्त कर दी गई है। मथुरा में अपना जन्मदिन मनाने पहुंची रीता बहुगुणा जोशी ने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण बिल जनता के हित में है, किसी पर कोई दबाव नहीं है। वहीं रीता बहुगुणा ने 2022 के चुनाव को लेकर कहा है कि आगामी चुनाव में यूपी में बीजेपी सरकार ही बनेगी, क्योंकि बीजेपी ने यहां विकास कार्य किया है। वहीं आपको बता दें कि रवणेटी मार्ग स्थित एक गेस्ट हाउस पर कार्यकर्ताओं ने उनके जन्मदिन के मौके पर पाटुकार बाके बिहारी का चित्रपट भेंट कर उनका भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि रीता बहुगुणा जोशी अपने जन्मदिन के मौके पर मथुरा पहुंची है। जब उनसे पूछा गया कि वो 2022 में किस तरह से बीजेपी को उभरते हुए देखना चाहती है, और साफ तौर पर कह दिया है कि 2022 में यूपी में
बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि बीजेपी ने विकास कार्य को किया है धरातल से लेकर कागजों तक, वो तस्वीरें दिखाई देती हैं। आप जब भी यहाँ आते हैं, जो भी आता है बहुत ही आनंदित होता है और एक मन में शांति का भाव लेके वापस लौटता है। और मैं भी आज मेरा जन्मदिन है तो मैं भी बांके बिहारी का आशीर्वाद लेने आई हूँ और कौशिक जी महाराज के यहाँ आज उनके गौशाला पे हवन का कार्यक्रम है, तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होगा। और मैं वृंदावन में ही अपना जन्मदिन आज का मनाना चाहती थी, यहाँ मेरी बहुत दुआएं हैं इन कार्यक्रमों को करके चली जाए। भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तरह से 12 महीने काम करती है और 5 साल से हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाएं, योगी जी के उसमें सम्मिलित करके अन्य योजनाएं, इनको जनता तक पहुंचाने का जो बेहतरीन काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, और जिस तरह से कोविड में प्रथम लहर को तो बहुत ही सुंदर तरीके से, द्वितीय लहर को भी बहुत तीव्र गति से, जो साधा है उसकी प्रशंसा पूरी दुनिया में हो रही है। मथुरा में यमुना नदी में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। युवकों की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। परिजनों के कहने पर बच्चों के शव परिजनों को सौंपकर थाना वृंदावन इलाके के यमुना किनारे देवरा बाबा घाट की ये घटना बताई जा रही है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है, इसके बाद शवों को परिजनों को सौंप दिया गया है। तो मथुरा का ही पूरा मामला है, जहां पर यमुना में डूबने से 2 मासूमों की जान चली गई और वहीं युवकों की मौत से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। सुबह ये गांधी पार्क के लिए निकले थे हम वाले, अब गांधी पार्क ना जाके देवरिया निकल रहे हैं। देवरिया को 6:30 बजे नहाए, उसके बाद में एक बच्चा इनमें से डूबा है, दूसरा बच्चा उसे बचाने के लिए जैसे ही निकला है वो दूसरा भी डूब गया है। वहाँ से कोई नहरा होगा, उसने अल्लाह बचा के बाल पर निकलवाया, वहाँ से एक बच्चा यहाँ घर आया दौड़ा दौड़ा, बोले भाई आलू डूब गया है। यहाँ से जब तक गए हैं उसके पापा ने मेरे पास फोन किया, बोले पापा जी ऐसे ऐसे बच्चा खत्म हो गया। वहाँ पहुँचे तब तक बच्चा बेहोश हो चुका था या खत्म हो चुका था, मतलब बेहोश था बाइक पे। तो वहाँ से मायावती ले गए, उन्होंने मना कर दिया, बोले भाई इसमें कुछ है नहीं। फिर वहाँ से घर मार के पहुँचे, वहाँ भी बोले भाई इसमें कुछ है नहीं। जी कितने बच्चे थे? 2 बच्चे। कहाँ गए हैं? ये गौरनगर का। मथुरा में हनुमान मंदिर में आज सूर्यवंशी अंतरराष्ट्रीय अखाड़े में कई राज्यों से आए साधु संतों को महामंडलेश्वर की उपाधि और दीक्षा देकर उनका स्वागत सम्मान किया गया। इस दौरान जहां आज 4 संतों को महामंडलेश्वर बनाया गया, तो वहीं कल भी 4 संतों को महामंडलेश्वर बनाया जाएगा, ताकि वो देश में अपनी प्राचीन सनातनी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए देश को हिंदू राष्ट्र बनाने में अपनी भागीदारी दे सके। तो मथुरा में 4 संतों को महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई है और ऐसा बताया जा रहा है कि कल भी 4 साधु संतों को महामंडलेश्वर बनाया जा सकता है। जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव। आज पवित्र पावन हनुमान जी के मंदिर पे हम आए हैं। आज से हमारा यही, हमारा सूर्यवंशी का अखाड़ा भी यही है, प्रथम हमारा ऑफिस भी यही है सूर्यवंशी खाड़े का। और इससे हमारे देशों में अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल में मेरे 2 आश्रम है, 2 मंदिर है। मैं अंतर्राष्ट्रीय, हमारा एक ही लक्ष्य है जो भारत की संस्कृति, हमारा सनातन धर्म का पंचम पूरे विश्व में लहराना है। पहले भी ये पंचम, आज से 1000 साल पहले जो हम सब सनातनी थे, कुछ हमारे में ऐसे लोग आए जिन्होंने क्रिश्चियन बना दिए, मोहम्मद मुसलमान बना दिए, पर सबसे पहले हमारा धर्म, हम सब सनातनी थे। और आज भी हमारा यही लक्ष्य लेके हम भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का पंचम पूरे वर्ल्ड में हम फैलाना चाहते हैं, हमारा यही उद्देश्य है। मुजफ्फरनगर में भगवान श्री राम की मूर्ति तोड़ने पर 2 पक्षों में जमकर पथराव हुआ। वही सूचना पर पहुंचे पुलिस पर भी गुस्साए गांव के एक पक्ष के लोगों ने जमकर पथराव किया। दलित और कश्यप समाज के बीच एक रास्ते को लेकर पिछले 15 सालों से विवाद चल रहा था। विवाद रास्ते पर खड़ी दीवार गिराने को लेकर था। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से पथराव होने लगा। उसी पथराव के बीच कश्यप समाज के मंदिर पर रखी भगवान श्री राम की मूर्ति टूट गई, जिसे गुस्साए कश्यप समाज के लोगों ने पुलिस और लोगों पर पथराव शुरू कर दिया। वहीं नाराज कश्यप समाज के लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर पुलिस जल्द ही दलित समाज के लोगों पर कठोर कार्रवाई नहीं करती तो वो इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे,
फिलहाल गांव में कानून व्यवस्था को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। मुजफ्फरनगर का एक पूरा मामला है जहां पर दो समुदायों के बीच बवाल हो गया। दरअसल एक दीवार को लेकर ये पूरा विवाद था। दीवार तोड़ने के दौरान भगवान श्री राम की मूर्ति भी टूट गई, जिससे दो पक्षों में जमकर पथराव हुआ। पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस पर भी एक पक्ष के लोगों ने पथराव कर दिया। हालांकि जो एक समाज के लोग हैं उनके साफ तौर पर कहना है कि अगर जो आरोपी हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती तो इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे। तो पहले तो नहीं भरी और उधर फिर कमरा बरात रोटी खाने कोई वास्ता नहीं आ, मतलब खेत खाते में टेंट लगा के बरात टिकानी पड़े। तो फिर जो रात गाड़ी आई पुलिस की तो उधर से एसओ साहब आए, उन्होंने कहा दीवार गिरा दो। और फिर जो है उधर से उन्होंने जब मतलब अपना घर पड़ा कोई फिर जोर तो पड़ गए सब पे, फिर उन्होंने थोड़ा बरसाया तो दो मूर्ति खंडित हो गई अपनी। और जो हमारे भगवान के मान सम्मान नहीं रखा जा रहा, हमारा मान सम्मान नहीं रखा जा रहा। किस भगवान की मूर्ति खंडित हुई है? श्री राम भगवान की मूर्ति खंडित हुई है और श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति खंडित हुई है। और अगर ये हमारा मामला नहीं निपटता है कल तक, हमारा आदमी नहीं छूटते हैं, अरे दो ट्रैक्टर थाने में खड़े हमारे, तो अगर ये नहीं मामला निपटता है तो कल तक धर्म परिवर्तन कर लेंगे हम। ये कश्यप समाज का मंदिर है और इसमें क्या नाम जो है यहाँ पे रात पुलिस बल आया, उधर से कुछ 8-10 लोग आए हरिजन समाज के, में आके एसआई साहब ने कहा कि भाई वो दीवार गिराओ, उन्होंने दीवार गिरानी शुरू कर दी। दीवार गिराने के साथ साथ मूर्ति खंडित कर दी, मूर्ति खंडित कर दी। कश्यप समाज के लोग गुस्से में आए, उनके पीछे भागे और क्या नाम जो है यहाँ से जैसे वे भाग के गए, एसआई साहब भाग गए, तो हम लोगों ने सोचा कि भाई अपनी शिकायत लेके थाने में जाएगा। तो दो ट्रैक्टर में हम लोग, एक ट्रैक्टर में बुजुर्ग आदमी थे, एक ट्रैक्टर में महिलाएं थी, वे हम लोग गए। तो मंदिर पे गांव के बाहर जो मंदिर बड़ा मंदिर है उस पे जाते ही लाठीचार्ज कर दी उन लोगों ने। कुछ लोगों ने एक में कूद के जान बचाई, कुछ ने गांव में घुस के जान बचाई और दो तीन लोग गंभीर चोट आई हुई है वो थाने में मिले। यो यहाँ निर्माण कार्य चल रहा था जी, रात 10 बजे करीब अष्टो साहब आए, उन्होंने पूछा भाई निर्माण कार्य कौन करवा रहा। हमने कहा जी हम अपनी तरफ से कर रहे, संजीव वाली ने करवाई थी हमारे दीवार से जी, फिर हमने एक कमरा बनाने लगे जी। तो अष्टो साहब आए रात, उन्होंने काश हरिजनों से चमारों से आगे से गिरा दो, उन्होंने चमारों ने जब गिराया हम उन्हें रोकने गए तो उन्होंने ऊपर से पथराव कर दिया, हमारी दो तस्वीर तोड़ दी थी। और जो हम फिर ट्रैक्टर ट्रोली जोड़ कर जो गए भाई हम अपने मंत्री घर जा रहे, हमारे पे पुलिस ने वहाँ रास्ते में लाठीचार्ज कर दिया। ये थाना तरसावल में गांव अलावलपुर है, यहाँ पे हरिजन और कश्यप समाज के लोगों के बीच में एक पुराने विवाद को लेके झगड़ा हुआ। झगड़े में दोनों तरफ से क्या कहते हैं, झगड़ा होने के बाद एक तरफ से पथराव भी हुआ है। इसमें पुलिस फोर्स मौके पे है, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया हमारी तरफ से और इसमें अग्रिम पुलिस कार्रवाई मुकदमा लिख के करी जा रही है और अन्य जो लोग हैं उनके लिए भी हमारी टीम अभी दबिश दे रही है और आगे कार्रवाई भी उसके हिसाब से करेगी। विवाद किस चीज़ पे हो रहा है? देखिए ये एक जमीन से रिलेटेड वहाँ मैटर है, लोकल मैटर है, उसमें अभी मौके पे एसडीएम एडीएम एसपीसीडी और सारी टीम है वो उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रही है और उसी से रिलेटेड विवाद था जिसके बाद दोनों पक्षों में कुछ झगड़ा हुआ, उसके बाद पथराव हुआ एक पक्ष की तरफ से, दूसरे पक्ष की तरफ से क्या कहते हैं जो भी चीजें हुई है वो सारी चीजें लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। पुलिसकर्मी भी घायल है सर? वो सारी चीजें अभी जांच कर रहे हैं, कोई पुलिसकर्मी घायल नहीं है फिलहाल। दबंगों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दबंगों ने घर में घुसकर बड़ी बेरहमी से लाठी डंडों और धारदार हथियार से मां और बेटी की जमकर पिटाई कर दी। दरअसल दबंग मां बेटी पर छेड़छाड़ का मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहे थे, जिसके चलते दबंगों ने मां बेटी को जमकर पीटा है। कानपुर देहात का एक पूरा मामला है जहां एक तरफ योगी सरकार ये कहती है कि हम महिलाओं के खिलाफ जो अपराध बढ़ रहे हैं उस पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं और मंचलों पर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन आए दिन उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से इस तरह की तस्वीरें सामने आती रहती हैं, जैसे कि कानपुर देहात से आई है। दरअसल यहां पर बेटी के साथ छेड़छाड़ हुई जिसके बाद मुकदमा दर्ज कराया गया, तो दबंगों ने मां और बेटी को जमकर पीटा है घर में घुसकर और केस वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। गाजीपुर में योगी सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा। 3 दिन पहले ही बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के वेतन जारी करने के नाम पर वसूली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ।
वो मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ पाया था कि एक बार फिर से बेसिक शिक्षा विभाग सुर्खियों में है। आपको बता दें कि एक बार फिर एक प्रिंसिपल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो में प्रिंसिपल मिड डे मील का अनाज बाजार में बेचता हुआ नजर आ रहा है। गाजीपुर की तस्वीरें कुछ दिन पहले ही एक और वीडियो वायरल हुआ था रिश्वत लेते हुए, और अब स्कूल के प्रिंसिपल का ये वीडियो सामने आया है जहां पर मिड डे मील का अनाज प्रिंसिपल बाजार में बेच रहा है। हरदोई में एम्बुलेंस पर काम करने वाले कर्मचारियों को समायोजित करने और कर्मियों को एनएचएम के अधीन करने और कोविड के दौरान शहीद हुए एम्बुलेंस कर्मियों के परिजनों को 50 लाख रुपए की बीमा राशि तुरंत दिए जाने की मांग को लेकर एम्बुलेंस कर्मियों ने नारेबाजी कर डीएम को ज्ञापन सौंपा है। वहीं एम्बुलेंस कर्मियों ने कहा है कि अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो 25 जुलाई से वे कार्य बहिष्कार करेंगे। तस्वीरें देखिए, हरदोई की तस्वीरें हैं जहां पर एम्बुलेंस कर्मियों ने डीएम को एक ज्ञापन सौंपा है। एम्बुलेंस कर्मियों की मांग है कि कोविड के दौरान जो एम्बुलेंस कर्मी शहीद हुए हैं उनके परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। मेरी मुख्य मांग ये है कि जो जिनके कंपनी द्वारा एलएस के कर्मचारी निकाले गए हैं उनको समाहित किया जाए एलएस में और ठेका प्रथा बंद हो। सभी कर्मचारी 108-102 एलएस के कर्मचारी हैं उनको एनएचएम में शामिल किया जाए, समान कार्य समान वेतन हो, ये हमारी मुख्य मांगे हैं। पूरे ये धरना जो है पूरे प्रदेश में हो रहा है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हनुमान पांडे द्वारा आह्वान किया गया है। कल परसों और आज हम लोग धरने बैठे हैं, उसके बाद अगर हमारी सुनवाई नहीं की जाती है तो हम लोग 25 तारीख से सारी गाड़ियां खड़ी कर देंगे, उसके बाद हड़ताल। रामपुर के बिलासपुर में पुलिस ने एक कमरे से आपत्तिजनक हालत में लड़के लड़की को पकड़ने के बाद मंडी समिति के कई अत्तारियों की साठ घाट करने के बाद लाखों रुपए की रिश्वत लेकर छोड़ दिया। उसके बाद मंडी के बड़े आरती सुमित गुप्ता आनंद हैप्पी मनोज सहित कई लोगों ने पुलिस से लाखों में समझौता कराया है जिसका वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वहीं इस मामले में सीओ अनुज कुमार ने कहा है कि मामले की जांच पड़ताल कर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। रामपुर की तस्वीरें आप देख सकते हैं, पुलिस ने आरतियों से रिश्वत ली है। मामले की जांच पड़ताल जल्द करने की बात कही जा रही है, लेकिन ये बड़ा सवाल है कि आए दिन जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके चेहरे उजागर होते हुए नजर आ रहे हैं। बरेली में बीते दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते रामगंगा का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिससे घाट पर रहने वाले घाटवासियों आसपास के गांव वालों को काफी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिले में प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें कि प्रदेश भर में बारिश के कहर से जगह जगह जल भराव की समस्याएं पैदा होने लगी है। वहीं अगर बात की जाए रामगंगा के जलस्तर की तो रामगंगा का जलस्तर भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है, जिसके चलते प्रशासन ने जिले में अलर्ट भी घोषित कर दिया गया है। बरेली की तस्वीरें जहां पर रामगंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सभी लोग राजस्व के और पुलिस के लोग कर्मी लगातार गश्त कर रहे हैं और आपदा के तहत लोग सतर्क हैं और दृष्टिगत हम लोग वाटर लेवल रेगुलर रूप से मॉनिटर कर रहे हैं। अभी स्थिति हमारी ठीक है, अच्छी है और जहां भी कोई दिक्कत आपदा की स्थिति होती है तो पूरा राजस्व और पुलिस प्रशासन तैयार है और हम लोग पूरी प्लानिंग कर चुके हैं। बिजनौर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस की तरफ से डॉग स्क्वाड की टीम के साथ परिसर में चेकिंग अभियान चलाकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह के निर्देशन में एसपी सिटी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह, सीओ सिटी कुलदीप कुमार गुप्ता पुलिस बल को साथ लेकर जजी परिसर पहुंचे, जहां पर उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वहां खड़े वाहनों को चेक किया। संदिग्ध दिखाई देने पर कुछ युवकों की तलाशी भी ली गई। वहीं ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के निर्देश भी दिए हैं। तो बिजनौर में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया जा रहा है। जो पुलिस कर्मी ड्यूटी पर तैनात है उन्हें सतर्कता बरतने के लिए कहा जा रहा है। तो बिजनौर की पुलिस डॉग स्क्वाड की टीम के साथ पहुंची है, जो संदिग्ध दिखे उनकी तलाश भी ली गई है। देखिए जैसी परिसर में रूटीन में हम लोग बीच बीच में चेकिंग करते रहते हैं, डॉग स्क्वाड को साथ ले आते हैं। इस परिसर के अंदर आने वाले सभी व्यक्ति
जो संदिग्ध लगे उनको चेक करना है, कोई संदिग्ध वस्तु दिखे इसको चेक करना है। न्यायालय सुरक्षा की दृष्टि से रूटीन की चेकिंग हम लोग बीच बीच में करते रहते हैं, उसी तरह आज भी चेकिंग हो रही है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।